जैसा आप देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं शहर के, और बाहर से भी लोग यहाँ आए हैं, टूरिस्ट भी यहाँ आए हैं, और देश के विभिन्न क्षेत्रों से सांस्कृतिक दल भी यहाँ आए हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि यहाँ के लोक कलाकारों को, यहाँ की संस्कृति को, कल्चर को, जो यहाँ का खान पान है, वेशभूषा, किस तरह से हम नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर उसको दिखा पाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए और यहाँ की जो एक अलग पहचान है उसको हम विश्व स्तर पर दिखा पाए। बिल्कुल, यहाँ स्थानीय कलाकारों को हमने वरीयता दी है और जो शाम के प्रोग्राम है वो ज़्यादातर उन्हीं के हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बाहर की कल्चर देखने को मिले, इसलिए विभिन्न सांस्कृतिक जो जोनल सेंटर्स हैं उनसे भी कलाकार यहाँ आए और उनके भी आपको विभिन्न जो नृत्य हैं या अलग जो उनके वो हैं वो देखने को मिले। ऐतिहासिक तिलवाड़ा मेला है, आज ही उसकी शुरुआत हो रही है, लगभग 12:30 बजे शुरुआत होगा, और उसके भी बाकी जो कार्यक्रम है वो थार फेस्टिवल में जोड़े गए। थार महोत्सव पर सभी को बधाई देता हुआ, बाड़मेर के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि थार महोत्सव हम साल में एक बार मनाते हैं, और बाड़मेर की जनता सभी इसमें शामिल होकर जिस तरह से हमारे बाड़मेर का कल्चर है, यहाँ बाड़मेर अच्छा हो, सौंदर्यकरण में अच्छा हो, पर्यटक यहाँ बाड़मेर में आए, और हम सब मिलकर इसमें आप देखेंगे कि बाड़मेर वासियों को आप हर तरह का यहाँ कल्चर मिलेगा, आपको जिस तरह से बाड़मेर के लोगों में उत्साह है, जोश है, कई कार्यक्रम है और 3 दिन चलेगा, और आज शाम को कवि सम्मेलन भी है, वहाँ कुमार विश्वास आ रहे हैं, उनके साथ और कवि आ रहे हैं, तो मैं ये भी बाड़मेर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि शानदार भव्य आयोजन है, आप उस कार्यक्रम सभी कार्यक्रमों में शामिल लो, हमारे बाड़मेर के लिए ये शुरुआत जो थार महोत्सव की है अच्छी रहे, सभी भाग ले और शानदार बने, जो भाग ले रहे उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।